दोस्तों, रुचि की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी धनिया पुदीना की बहुत ही बढ़िया सी चटनी, जिसे बनाने में केवल 2 मिनट लगेंगे और आप सारे स्नैक्स के साथ, इन्हें घर में बनने वाले स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 2 टमाटर, 1 कप पुदीना, 1 कप धनिया पत्ता, 1 नींबू का रस, 4 हरी मिर्चें और 6 से 7 लहसुन की कलियाँ। इसके बाद स्वाद अनुसार मैंने काला नमक और सफ़ेद नमक लिया है। सबसे पहले हम ग्राइंडिंग जार में धनिया, पुदीना, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च को डाल देंगे। इसके बाद हमने डाल दिया है 1/2 काला नमक और 1/2 व्हाइट नमक, सफ़ेद नमक। दोनों नमक को बराबर मात्रा में डालना है टेस्ट के हिसाब से। इसके बाद हम पीस लेंगे। फिर मैंने नींबू का रस निकाल के रखा था, वो हमने ऐड कर दिया और एक बार और चर्न कर दिया है मिक्सी को। हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। आप इसे घर में बनने वाले किसी भी स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप भी इस चटनी को बनाइए, इंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।